डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में आज आपके सामने इसकी सिक्स्थ वीडियो प्रेजेंट की जा रही है, जिसका टॉपिक है द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। पिछली वीडियोस में हमने TUMU के बारे में पढ़ा था। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो देख लें और चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी आगे आने वाली वीडियोस हैं वो आपको तुरंत मिलती रहें। तो जो हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं 2019 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसकी वीडियोस में सिक्स्थ वीडियो आपके सामने है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप कैसा है। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि जो यूनिट्स हैं, जैसे जैसे आप यूनिट्स का कंजम्पशन करते हैं, हर बार आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है वो यूनिट्स से यूटिलिटी गेन होती है। और जो यूटिलिटीज आप यहाँ पर गेन करते हैं, उन यूटिलिटीज को जब आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल करेंगे तो आपको टोटल यूटिलिटी मिलती है। इसका मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं कि MU और TU के बीच में जो बेसिक रिलेशन है वो ये है कि TU इज समेशन ऑफ MU, टोटल यूटिलिटी समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। से 15 और 15 में आप ये 10 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये 25, और 25 में आप 5 जोड़ेंगे तो 30, और 30 से 0 फिर 30, और -5 25। तो बेसिकली जो अगर हम ये देखें यहाँ पर, तो ये आपका जो हो जाता है, जो समेशन MU है, इट इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी बेसिकली। इसको हम अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में देखें तो न्यूमेरिकल फॉर्म में हम यहाँ पर लिखते हैं MUN इज इक्वल्स टू TUN - TUN - 1, और TUN इज इक्वल्स टू MU1 MU2 MUN - 1 प्लस MUN। ये यहाँ पर नहीं आएगा। तो टोटल यूटिलिटी में क्या है कि जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटीज हैं, MUN MU2 MU3 MU4 एंड सो ऑन, और MUN, ये n एक्चुअली क्या है, ये n रिप्रेजेंट करता है द लास्ट नंबर ऑफ यूनिट। जैसे मान लीजिए कि ऊपर वाले जो एग्जांपल है, उस एग्जांपल में आपने पांचवी यूनिट का लास्ट कंजम्पशन किया है, तो अगर इसको हम 5 रख दें तो MU1 MU2 MU3 MU4 MU5 इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी ऑफ 5 यूनिट्स आएगा। अब अगर हमको टोटल यूटिलिटी दिया हुआ है और हमको मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है MUN इज इक्वल टू TUN - TUN - 1। यहाँ पर भी जो N है, इट इज नंबर ऑफ यूनिट। अगर मान लीजिए कि हम ये कहें कि MU3 का मतलब ये है कि हमको थर्ड यूनिट पे जो है वो कैलकुलेट करना है मार्जिनल यूटिलिटी, तो आप क्या करेंगे, TUN मीन्स TU3, और TU3 अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 2 3 यानी 30, तो आपका ये हो जाएगा 30, और उसके बाद -TUN - 1 मीन्स 3 - 1 मीन्स 2, तो TU2 कितना है हमारा, 25, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 = 5। तो आप ये देखेंगे कि जो थर्ड यूनिट है उसकी जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो 5 है। तो इस तरीके से आप मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में से कोई भी एक वैल्यू दी होने पर आप दूसरी वैल्यू को इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम इनके रिलेशंस की बात करें, रिलेशनशिप क्या है इनके बीच में, तो जो TU है, ये TU बढ़ता है, और TU कब तक बढ़ता है, जब तक कि जो MU है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ये पॉजिटिव रहती है। पॉजिटिव रहने का मतलब ये है कि 0 से ज्यादा, जब तक 0 से ज्यादा रहती है, तब तक जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज करती है। और जब इसमें आप देखेंगे कि जब तक ये, भले ही ये घट रही है, जो मार्जिनल यूटिलिटी ये घट रही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, हर बार यूनिट के कंजम्पशन के साथ में जैसे जैसे यूनिट बढ़ा रहे हैं, ये MU घटती जा रही है, लेकिन इसके घटने के साथ साथ ये जो TU है, आप ये देखेंगे कि ये बढ़ रही है। दूसरा जो रिलेशन, इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है कि वेन MU इज 0 देन TU इज मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेंट। अगर आप इसको यहां से डायग्राम में देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो MU है, जब ये 0 हो रहा है, तो यहां पर आप ये देखेंगे कि जो TU है, ये आपका मैक्सिमम हो जा रहा है। तीसरा जो हमारा रिलेशन है वो है व्हेन MU इज निगेटिव, TU डिक्रीजेस।
तो एमयू जब निगेटिव होता है, जब एमयू जीरो के बाद और नीचे जाता है, निगेटिव जाता है, तो आपका जो टोटल यूटिलिटी है ये घटना शुरू कर देता है। जैसा कि हमने पहले भी जो ऊपर एग्जांपल न्यूमेरिकल एग्जांपल है इसमें भी हमने देखा कि जब ये आपका एमयू जो है वो -5 होता है, तो आपका जो टीयू था ये घटना शुरू कर देता है। जब तक आपका एमयू घट रहा है लेकिन पॉजिटिव है, आपका टीयू बढ़ता है। जब आपका एमयू जीरो हो जाता है तब आपका टीयू मैक्सिमम होता है और कांस्टेंट होता है, और जब आपका एमयू निगेटिव होता है तो जो टीयू है वो घटना शुरू कर देता है। टीयू इज समेशन ऑफ एमयू, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो टोटल यूटिलिटी है ये समेशन होता है मार्जिनल यूटिलिटीज का, और एमयू इज द स्लोप ऑफ टीयू। एमयू जो है ये स्लोप ऑफ टीयू है, टीयू का जो ये स्लोप है इस स्लोप को यहाँ पर एमयू से दिखाया गया है, मार्जिनल यूटिलिटी से दिखाया गया है। और इसी के साथ में हम एक एक पॉइंट यहाँ पर और लेंगे, वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसा कि नाम से ही पता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि जो यूटिलिटी है वो डिमिनिश हो रही है, यानी घटती जा रही है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है, जो बेसिकली हमने अभी तक पढ़ा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसे कंजम्पशन बढ़ाने पर घटती है, उसी को एक सेपरेट अगर पोर्शन में हम देखें तो उसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, जिसका जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, ईच सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम्ड गिव्स लेसर एंड लेसर सेटिस्फैक्शन, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेज। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की लगातार यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं, हर अगली मिलने वाली यूनिट से जो यूटिलिटी होती है वो लगातार घटती जाती है, और इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। अगर कभी 3 मार्क्स में आपके सामने क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लिखने के लिए 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में, तो सिंपली आप एक ये डिफिनेशन लिख देंगे, ये जो आपके डिफिनेशन है इस डिफिनेशन को आप दे देंगे, और ज्यादा है तो आप यहाँ पर केवल ये जो मार्जिनल यूटिलिटी का ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को आप उसमें बना देंगे, और इसी के साथ में आप यहाँ पर ये जो डायग्राम का जो ये वाला पोर्शन है आपका, केवल ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन जो आपका है इसको आप ड्रा कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैं आपके सामने ड्रा करके दिखा दे रहा हूँ, जब कभी केवल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आएगा तो आप सिंपली बस इतना डायग्राम ड्रा करेंगे। ये आपके दोनों एक्सिस हो गए, इधर आपका यूनिट्स हो गया और इधर आपका जो है वो यूटिलिटी हो गया। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, जिसको अलग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में सीधा सा कंसेप्ट ये है कि जब भी किसी चीज़ का कंजम्पशन लगातार बढ़ाया जाता है तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो लगातार घटती जाती है। अब यहाँ पर जो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस का मतलब यह है कुछ एजम्पशंस हैं और कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस का मतलब यह है कि वो कौन से रीजंस हैं जब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो काम नहीं करती है, जैसे हॉबीज हैं कि या पोएट्री है, म्यूजिक है, या जो है जो ड्रंकर्स हैं या जो चेन स्मोकर्स हैं उनके लिए ये चीज़ लागू नहीं होती है। क्यों नहीं होती? जैसे मान लीजिए कि कोई सॉन्ग आप सुन रहे हैं, आपने एक बार सुना तो आपको ज़्यादा अच्छा लगा, आपने दूसरी बार सुना तो और ज़्यादा अच्छा लगा, तीसरी बार और ज़्यादा अच्छा लगता है। या जो ड्रंकर्स हैं वो जब लिकर का कंजम्पशन शुरू करते हैं तो एक गिलास, दूसरे गिलास, तीसरे पैक, तो वो लगातार उनको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। या अगर आपको कोई हॉबी है रीडिंग, पढ़ने की आपको हॉबी, आप एक बुक पढ़ते हैं, दो बुक पढ़ते हैं, तीन बुक पढ़ते हैं, तो वहां पर ये जो यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है डिमिनिशिंग होने का, ये लागू नहीं होता है। इसके जो एजम्पशंस हैं, एजम्पशंस क्या है कि ये तभी एप्लीकेबल होगा, ये जो आप देख रहे हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है लगातार घटती जाती है, कब तभी एप्लीकेबल होगा जब कंजम्पशन की यूनिट्स को इक्वल रखा जाए। जैसे मान लिया आप ब्रेड का कंजम्पशन कर रहे हैं, रोटी का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो हर बार रोटी एक जैसी हो, एक साइज की हो, एक शेप की हो, एक क्वालिटी की हो। ऐसा नहीं है कि एक रोटी आप सूखी खा रहे हैं, दूसरी रोटी आप घी लगा के खा रहे हैं, या एक रोटी बहुत छोटी सी खा रहे हैं, दूसरी रोटी बहुत बड़ी सी खा रहे हैं। इसी तरीके से
जब आप कंजम्पशन कर रहे हैं तो उसमें गैप नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कंटिन्यूअस कंजम्पशन. मीन्स कि आपका ऐसा नहीं कि आपने एक रोटी अभी खा लिया और एक रोटी 2 घंटे बाद खा रहे हैं और फिर आप ये कह रहे हैं कि मेरी तो यूटिलिटी, जो सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है वो बढ़ के आ रही है. ये जो कंजम्पशन है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए. मीन्स आप खाना खाने बैठे हैं, आपने एक रोटी खाई, साथ के साथ दूसरी खाई, तीसरी खाई, चौथी खाई, तब आप इसको अप्लाई कर पाएंगे. तो ये इस वीडियो में आपने ये देखा कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी एंड हाउ कैन वी डराइव मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम टोटल यूटिलिटी एंड हाउ वी कैन ड्राइव टोटल यूटिलिटी बाय मार्जिनल यूटिलिटी. अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें. थैंक यू.